प्रातःकाल होता है, स्नान ध्यान होता है, संध्या वंदन होता है। दोनों भाई गुरुदेव से पहले संध्या वंदन स्नान ध्यान करके गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंच जाते हैं और गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम कर कहते हैं कि गुरुदेव, बोले हाँ राम, अगर आपकी अनुमति हो तो संध्या के लिए हम पुष्प ले आए। गुरुदेव ने कहा जाओ राम, ले आओ। और भगवान श्री राम और लखन लाल जी पुष्प वाटिका लेकर जनक जी की पुष्प वाटिका में जाते हैं। श्री रामचरितमानस में दो पुष्प वाटिका का वर्णन है और दोनों ही पुष्प वाटिका मां सीता का केंद्र रही है। जनक जी की पुष्प वाटिका में माता सीता का प्रभु से संयोग हुआ है और रावण की अशोक वाटिका में माता सीता का वियोग हुआ है, पर केंद्र दोनों मां सीता के रहे वाटिका। गुरुदेव की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम और लखनलाल जी दोनों जब वाटिका के द्वार पर पहुंचते हैं तो लखनलाल जी तो बड़े तीव्र गति से दौड़ के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। राम रोक लेते हैं, रुको लखन। बोले भैया वाटिका सामने है, चलना चाहिए। बोले नहीं, वाटिका के रक्षक कौन? बोले माली। तो पहले माली की आज्ञा लो, उसके बाद में। बोले हम राजकुटुंब के हैं, हम स्वयं राजा के लड़के और राजा के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, और जो ये वाटिका है वो हमारे यहाँ के राजा की है, और जो यहाँ सेवा कर रहा है वो भी यहाँ के राजा का सेवक है, और उससे हम अनुमति लें। बोले हाँ। बोले उसी की देन है जो वाटिका सुरक्षित है। देखिए प्रभु की मर्यादा। बोले पहले उनसे अनुमति लेंगे हम। इतने में जब मालिक को पता चलता है, वो दौड़ता हुआ आकर प्रभु की श्री चरणों में प्रणाम करता है और कहता है कि हे राम, क्या आदेश है आपका? आप कहें तो हम आपके लिए पुष्प चुन दें, आप कहें तो हम आपके लिए माला बना दें, आप जो आदेश करें। भगवान श्री राम कहते हैं कि नहीं, हम स्वयं अपने हाथों से पुष्प चुन लेंगे, केवल आप हमें यहां से प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करो। और माली की आख्या पाकर भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। पुष्प वाटिका में जब प्रवेश करते हैं तो सूर्य उदय की किरणों से जो पुष्प खिल जाते हैं, जो कुछ पुष्प मुरझाए होते हैं, वो सूर्य वंशी भगवान श्री राम को देखकर स्वतः ही खिल जाते हैं। और दोनों भाई पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर वाटिका जनक जी की। वाटिका को भ्रमण करते करते देखते हैं, एक तरफ गौरी का मंदिर है, सुंदर जलाशय है, एक से एक पुष्प खिले हैं, कमल का पुष्प, एक से एक पुष्प वाटिका में। उसी समय उधर मां सुनैना मां सीता से कहती है, जाओ बेटी गौरी पूजन कराओ। श्री रामचरितमानस में यहां से मां जानकी जी का चरित्र शुरू होता है। जननी सुता जग जननी जानकी, जननी सुता जग जननी जानकी, जननी सुता जग जननी जानकी, जननी सुता की आज्ञा पाकर मां सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए जब वाटिका में प्रवेश करती है
कितना त्याग और समर्पण भाव है। सहजशीलता से मां सीता धीरे धीरे जब वाटिका में प्रवेश करती है तो उसी समय गोस्वामी जी लिखते हैं, ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर सीता तह आई, ते ही अवसर जानकी जब प्रवेश करती है संग सतियों के साथ मंगल गान करती हुई, तो पुष्प वाटिका में जब प्रवेश होता तो उसमें से मां जानकी की आठ सखियों में से एक सखी बिलग हो जाती है। बिलग हो जाती है तो वाटिका में घूमती 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 वहां पहुंच जाती है जहां दोनों राजकुमार, और जैसे ही उसकी दृष्टि उन राजकुमारों पर पड़ती है भगवान श्री राम और लखन पर, उनको देखते ही बड़ी प्रफुल्लित बड़ी आनंदित हो जाती हैं और कहती है कि इतने सुंदर राजकुमार और यहां कौन हो सकते हैं, और दौड़ती हुई सीता जी के पास आकर कहती कि बोले देवी, बोले हाँ, बोले पूजन बाद में करना, बोले क्यों, बोले मेरे साथ चलो पहले, बोले कहाँ, बोले चलो तो सही, बोले बात तो बता कहाँ, कि क्या बताऊं देवी, इतने सुंदर राजकुमार हैं जिनको देखने से जी नहीं भरता, मैं तो केवल आपको सूचना देने आई हूं कि आप भी दर्शन कर लेते उनके खास। बोले है कैसे, बोले क्या बखान करूं, आंखों ने देखा है वो बोलती नहीं है और जिब्बा ने देखा नहीं, बोले इतने सुंदर है, बोले हाँ बहुत, श्याम गोरे की मीनी कहही बखानी, देखा ठीक है तू पर रो क्यों रही है, बोले हे देवी मेरी आंखों में पानी भरा हुआ है, अगर किसी प्याले में जल भरा हो और उसमें अगर दूध लेना हो उस जल को खाली करना पड़ेगा तभी दूध उस प्याले में भरा जाएगा, तो मेरी आंखों में पानी भरा है और मुझे उस दूध की आवश्यकता है इसलिए मेरे अश्व आए। बोले इतने सुंदर है, सीता ने कहा तब तो जरूर दर्शन करने चाहिए, और मां सीता सखी के कहने पर प्रभु के दर्शन करने के लिए जब बढ़ती है, बहुत सुंदर जब मां सीता प्रभु के दर्शन करने के लिए अपनी सखियों के साथ
उस वाटिका में प्रभु के दर्शन करने के लिए जब आती है तो गोस्वामी जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कंकनी किंकरी नुपर धुनी धुनी, कंकर किंकरी नुपर धुनी धुनी, कहते लखन सन राम हृदय सुनी, कहते लखन सन राम हृदय सुनी, मानव मदन दुदुम बीनी, मानव मदन दुदुम बीनी, मन साबी विजय चहबिनी, मन साबी विजय कहदीनी। भगवान के कानों में जब पायल की और कुंकन की आवाज जब आती है राघव के कानों में, तो भगवान श्री राम लखन को कहते हैं कि लखन कौन आ रहा है, लगता है कोई कामदेव चढ़ाई कर रहा हो। इस प्रकार माता सीता की बढ़ाई, बोले कोई ना कोई तो आ जरूर रहा है। इतने में माँ सीता धीरे 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 आती है, और आते ही माँ सीता की दृष्टि जब प्रभु पर पड़ती है तो प्रभु को देखते ही माँ सीता अपने आंखों को बंद कर लेती है। इतने में लखनलाल जी भगवान श्री राम का हाथ पकड़कर लता कुंज में ले जाते हैं। तो ले जाकर बोले, लखन कर क्या रहे हो तुम? बोले आप चुपचाप रहिए, आज मुझे बोलना है, आप चुप रहेंगे। बोले क्यों? आपको पता है भक्त दर्शन के लिए आए हैं, मैं आपका पुजारी हूं, आप मेरे ठाकुर हैं, मैं आपको संवार दूं श्रृंगार दूं, कल को भक्त कहेंगे कैसा पुजारी है, मेरे ठाकुर को संवारा नहीं, आप शांति से बैठ जाइए। लता कुंज में ले जाकर, और परमात्मा को वही संवार सकता है जो स्वयं प्रभु का परम भक्त हो। हर किसी की मजाल क्या परमात्मा को संवारने की। लड्डू भगवान शायद, मैंने कई भक्तों के घर गया हूं, मैंने देखा है, पर उनका श्रृंगार तरीके से कोई नहीं करता। रखना सरल है, उनका श्रृंगार, उनका लालन पालन बेटे की तरह होता है। और लखनलाल जी प्रभु को संवार कर जब बाहर वापस लाते हैं तो देखते हैं कि माँ सीता अपने कपाट बंद करे रखी है। सखियां कहती हैं, बोले सीता वो वापस आ गए और तुम अपनी आंखों बंद कर रखी है, आंखें खोलो। सीता कहती हैं कि बोले सखी अब तो देखने के लिए रह ही क्या गया है, उनकी छवि अंदर बस चुकी है, अब क्या देखना, किसी को कुछ नहीं देखना। मां सीता की आंखें बंद, लखनलाल जी प्रभु को लेकर जब वापस आते हैं तो लखनलाल जी मन ही मन कहते हैं कि बोले मां, जिसने श्रृंगार किया उस पुजारी के ऊपर तो आपने दृष्टि डाली नहीं और अपनी आंखें बंद कर ली। और लखनलाल जी जैसे मन ही मन मां को कहते हैं कि हे मां, एक बार इस गरीब पर भी कृपा कर दो मां, इस दास पर भी एक बार कृपा कर दो। जैसे कि मां ने लखनलाल जी की बात सुन ली हो, और जैसे ही लखनलाल जी अंदरस्त जब मां की प्रार्थना करते तो मां एक बार पुनः प्रभु को देखती है। देखते ही लखनलाल जी मन ही मन मां को प्रणाम करते, और प्रणाम करने के बाद सीता सखियों के साथ जब प्रभु से वापस गोरी पूजन के लिए जाती हैं, तो मन में कई विचार आते हैं। बोले मेरे पिताश्री ने इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि मैं इनको पा नहीं सकती, अब मैं कैसे पाऊंगी इनको, क्योंकि प्रभु जब पुष्प तोड़ रहे थे ना तो उनको प्रस्वेद हुआ था, प्रस्वेद बोले तो पसीना,
तो बोले जो पुष्प तोड़ने में जिनको प्रश्वेद हो जाता है वो धनुष क्या तोड़ पाएगा, जिनको पुष्प तोड़ने में प्रश्वेद होता है वो धनुष क्या तोड़ेगा। और मेरे पिताश्री ने इतना बड़ा संकल्प लिया है, मन ही मन चल रही थी घटना चल रही थी, और धीरे धीरे माँ वैदेही अपने सखियों के साथ वापस लौटती है और गौरी मंदिर में जाकर माँ देवी से प्रार्थना करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन बच्चियां, अगर ध्यान से गौरी पूजन करें ना, जिनका विवाह ना हो रहा हो अवश्य विवाह हो, पर हृदय से मन में राम बगल में छुरी वाला काम नहीं करना है, बहाना मंदिर का जय जय श्री सीताराम। और माँ प्रार्थना करती है कि हे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, हे हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो, आपकी जय हो। तो तुरंत पुनः माँ पार्वती पुनः माँ सीता की प्रार्थना करती है कि हे सीता आप तो महेश के मुख चंद की चकोरी हो, और वो महेश जो रात दिन श्री राम का नाम स्मरण करते हैं। पुनः सीता जी कहती है कि हे मां, हे कार्तिक और गणेश की माता, आपकी सदा जय हो। पुनः पार्वती जी कहती हैं कि मैं तो कार्तिक और गणेश की ही माता हूं, पर आप तो पूरे संसार की माता, एक दूसरे की आपस में प्रार्थना। और अंत में मां दुर्गा मां पार्वती प्रसन्न होकर कहती है कि हे सीते, जब मां सीता गौरी पूजन करती हैं तो प्रसन्न होकर
गौरी की प्रतिमा हिलने लगती है, हिलते ही उनके कंठ से पुष्पों का हार गिर जाता है। अब कोई प्रश्न करे, महाराज मूर्ति भी हिलती है क्या, पुष्पों का हार भी गिरता है क्या? अगर आपके प्यार में ताकत हो, सच्चा प्यार हो परमात्मा के प्रति, तो आप तो मूर्ति हिलने की बात करती है, मूर्ति जवान से बोलेगी। यहां तो पड़ोसी भी नहीं बोल पाता, मूर्ति क्या बोलेगी? इतना ताकत नहीं हमारे प्यार में कि हमारा पड़ोसी हमसे नहीं बोलता, मूर्ति क्या बुलाओगी? तो इसलिए कोई विशेष बात नहीं है। और माँ गौरी का हार गिरता है, आशीर्वाद मिलता है माता जी को, और माता जी आशीर्वाद देती है। सुनो सी सत्य आशीष हमारी, आशीर्वाद देती हैं, जाओ हे जानकी, हमारा आशीर्वाद है, जो तुम्हारे मन में बस चुका है वो तुम्हें पति रूप में अवश्य मिलेगा। मनुजाई राजो मिलाई सो वर सहज सुंदर सावरो, मनुजाई राज सीता गौरी पूजन करके भगवान श्री राघव की छवि अपने हृदय में बिसाकर पुनः महल की ओर चलती हैं। हे जग जननी, हे जगदम्बे, मातु भवानी शरण तु दे दे। हे जगदम्बे, मातु भवानी शरण तु दे।
भगवान श्री राम के हृदय करके माँ सीता अपने भवन की ओर चलती है।